एक नए कंसेप्ट पे काम करते हैं। एक नया कंसेप्ट है कम्यूटेटर सब ग्रुप। और ऐसे भी कहते हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सेट, जनरेटेड। पर इतना याद रखना तो इतने से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये मान लेते हैं मेरे पास कोई बड़ा ग्रुप है जी, और जी का एक कोई सबसेट है एस। एस को कंटेन करने वाले जितने भी सब ग्रुप हैं, एस को कंटेन करने वाले जितने भी सब ग्रुप हैं उन सब का इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब सब ग्रुप तो जितने भी हैं उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, आपको ऑलरेडी पता है। और सब एस को कंटेन करते हैं, मतलब एस सब में है, तो जाहिर सी बात है एस इंटरसेक्शन में भी होगा। दैट इंटरसेक्शन विल बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग एस, होगा या नहीं? यस सर, यस सर, हो तो उसी के लिए कहा गया है बच्चों कि किसी सब ग्रुप को कंटेन करने वाला जो सबसे छोटा सब ग्रुप होता है उसी का नाम है कम्यूटेटर सब ग्रुप। सभी लोगों को क्लियर हो पाई डेफिनेशन? यस सर। तो भाई इसको लिख देते हैं, इसमें कुछ है नहीं है सर, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी हैं, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट ग्रुप और कम्यूटेटर सब ग्रुप की सीरीज के बाद हम कल से फिर वही होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म में फिर उलझ जाएंगे। अब हम उन्हें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म और उससे रिलेटेड चीजें करेंगे, तो आपको काफी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। अब एप्लीकेशन जब होता है ना चीजों का तो बड़ा मजा आता है कि अच्छा इसका मतलब ऐसा हो रहा होगा। चलिए ठीक है, हम इसको डेफिनेशन अब समझ में तो उतने से ही आया था, लेकिन लिख लेते हैं। जो एस है वो एम्प्टी नहीं है और सबसेट है जी का, तो इतनी बात लिख दी मैंने कि एस नॉन एम्प्टी सबसेट है, सीधी बात ये हो गई। तो क्या लिखना है? द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एस कॉल्ड द सब ग्रुप जनरेटेड बाई एस। ऐसा कभी कुछ और भी बताया था मैंने? नहीं बताया? जनरेटर अब मतलब अगर बताया भी था तो वो नहीं के बराबर ही हो गया शायद मेरे ख्याल से। दोनों जगह बताया था, लीनियर में भी बताया था, ग्रुप में भी बताया था। हाँ यार वही तो कह रहा हूँ, फिर और लोग हाँ ही नहीं कह दे रहे हैं अब ऐसे में कोई यस सर, भी। लीनियर में बताया था। अरे मैं आप लोगों से पूछूंगा नहीं, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं नहीं पूछूंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप बस ये कह दें कि हाँ साहब बताया था तो हो गया। चलो ठीक है, तो किसी भी ग्रुप के बहुत सारे सब ग्रुप हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने सब ग्रुप हैं, अभी हम इतना नहीं जानते। हम तो भाई इतना जानते हैं कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बस। सब ग्रुप होंगे जितने, अभी यहां तक तो हम समझ ही नहीं पाए। तो बहरहाल कोई सबसेट है एस, तो एस को कंटेन करने वाले जितने भी सब ग्रुप होंगे, कोई नहीं होगा तो जी खुद तो हुआ ही, यस सर, कोई ग्रुप अपना भी तो सब ग्रुप होता ही है। ठीक है, तो
आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको यार। एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी इट्स जनरेटेड बाय एस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो एच है वो सबसे छोटा सब ग्रुप है जी का जो एस को कंटेन करता है। इफ पहली बात तो ये है कि जो एस है वो एच के अंदर होगा, और दूसरा अगर एस्ट्रो कंटेन करने वाला कोई और मिल गया तो क्या होता था। इफ के इज एनी अदर सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एस इज कंटेंड इन के, तो क्या और होना चाहिए बच्चों। देन अब बताइए। एस कंटेन्ड एच इंटरसेक्शन के, तो तो एच भी उसके अंदर होगा। एच जेनरेटेड है ना, सबसे छोटा है, ऑलरेडी बोल दिया आपने, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे जेनरेटेड जो होगा एच टू, अगर कोई और भी होगा तो उसके अंदर भी एच आ जाए, तो एच सबसे छोटा साबित हो गया या नहीं। यस सर। तो वी डिनोट इट एच इक्वल टू, या तो कई लोग ऐसे लिखते हैं और कई लोग ऐसे लिखते हैं, वो डिफरेंट बुक्स के सिंबल है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि क्या पक्का है ना कि कोई भी सबसेट ले लें जी का तो उसके लिए ऐसा एक सब ग्रुप एडजिस्ट करेगा ही करेगा ना हमेशा। जी का कोई भी सबसेट हाँ लें तो क्या हमेशा उसके लिए ऐसा सब ग्रुप एडजिस्ट करेगा। आप लोग आज हाँ ना कहने के मूड में नहीं। एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप को, या एस से जनरेट होने वाले को एस कैप कह रहे हैं हम। एस के ऊपर कैप जैसी है, टोपी जैसी है, और ये हमेशा एडजस्ट करेगा क्यों। सर, अगर कोई सब ग्रुप नहीं मिला तो ये और जी तो पक्का मिलेगा। हाँ, और वैसे इन जनरल मैंने जो बताया, लो यार मैं लिख देता हूं, आप लोग भाई ये कैसे मिलता है, वो सारे ले लीजिए जो सारे एच लैम्डा जो जी के सब ग्रुप हैं और सब एस्ट्रो कंटेन करते हैं, उन सब का क्या ले लें। इंटरसेक्ट सेक्शन इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बस वो सारे जो एस को कंटेन करते हैं उनका ये कर लो। तो भाई ये चीजें तीसरी चौथी बार समझाई जा रही हैं आप लोगों को, फिर भी आप इस बार भी उतने ही हैरान हो, ये गजब बात है क्यों। सो एस ट्रैप इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एस। इतनी देर से एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहा हूं, दाएं बाएं सब तरफ से कह दिया है मेरे ख्याल से। क्लियर हो पाया है नहीं हुआ। यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, इस पर बेस्ड एक छोटा सा रिजल्ट करते हैं, फिर एक कम्यूटेटर की डेफिनेशन देंगे। अभी कम्यूटेटर
कम्यूटेटर नहीं बोला हमने, कम्यूटेटर सब ग्रुप बोला है। उम्मीद है ये हर बच्चे को क्लियर होगा, किसी को यस नहीं, हाँ किसी को नहीं आया है तो आप लोग बोल सकते हैं अभी, पीछे सर नहीं आ रहा समझ में। नहीं कोई नहीं है सर, ठीक हो गया, अगर कोई नहीं है तो फिर मैं अब एक छोटा सा रिजल्ट करता हूँ पहले, फिर कम्यूटेटर समझाऊंगा। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इफ एस इज नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ जी एंड एच ए, हमारे पास ऐसा है अल्फा बिलोंग्स टू जी सच दैट अल्फा ऐसा एलिमेंट है, एस वन एस टू एस एन सच दैट, या तो एस आई बिलोंग्स टू एस ए या एस आई इनवर्स बिलोंग्स टू एस ए फॉर एवरी आई। देखिए एस एक एलिमेंट, एस तो खाली ऑर्डिनरी सबसेट है बच्चों, एस में सबसेट होता है तो आप भी जानते हैं, उसमें खाली एलिमेंट्स का कलेक्शन हुआ, कोई बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन नहीं है, सबसेट है, पता नहीं कैसा सबसेट है। एच ऐसा ले रखा आपने, एच में ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं एस वन एस टू एस एन, बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा वही जो ग्रुप के अंदर है, और इन सब एस आई में ये खास बात है कि या तो एस आई या एस आई का इनवर्स जो होगा वो एस में होगा, मतलब एस वन एस टू एस थ्री से एस एन तक या तो ये एलिमेंट होंगे या इनके जो इनवर्स होते हैं वो एस में होंगे। क्या मैं समझा पाया क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस यहाँ एन एन जो है नेचुरल नंबर है, हाँ एस एन कह रहे हो ना, एन नेचुरल नंबर है वो, छोड़ो ठीक हो गया। तो प्रूव दैट आपको जो करना है, देन अब थ्योरम लिख दी तो प्रूव दैट ही दो, तो एच जो है वो ये है, ये प्रूव करना। तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एच जो है एस को कंटेन करता है और एच ही सबसे छोटा है जो एस को कंटेन, तो दो स्टेप में करना है। अच्छा तो दो स्टेप में तोड़ देते हैं भाई। अच्छा ये बताइए, सिंस एस नॉन एम्प्टी है तो एच भी नॉन एम्प्टी होगा या नहीं? ये तो गारंटी हो गई, फिर एच में कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसी के एलिमेंट से तो अल्फा बन रहे हैं जो एच के एलिमेंट हैं। यस सर, अच्छा तो उसी के एलिमेंट से अगर सारे बन रहे हैं, एच ऑलरेडी आपने डिफाइन जैसा कर रखा है, उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये बहुत ऑब्वियस है? ऑब्वियसली एस इज अ सबसेट ऑफ एच, हाँ या ना? आराम से बोलिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एस के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं से तो अल्फा बने हैं जो एच के एलिमेंट हैं। यस सर, ठीक है, देखो बच्चों मैं छोटे छोटे ऑब्वियस रिजल्ट बोल रहा हूं, ऑब्वियसली जब लिखा जाता है तो ये बात बात में लोग कमेंट भी करते हैं कई बार, क्योंकि अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जैसे एल्फोर्स हैं या वाल्टर रूडीन हैं, इनकी किताब में जो ऑब्वियसली लिखा होता है उसको समझने में कई बार पसीना आ जाता है, बहुत दिक्कत होती है।
पिछले हफ्ते हम लोग L4s पढ़ रहे थे और एक कंसेप्ट पूरा 1.5 घंटे पढ़ने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आया हमको। तो मैं और मेरे साथ ट्रेड था, तो उनका ऑब्वियस जो है वो, तब मैं पूछ रह रहा हूँ कि मैं जब ऑब्वियसली लिख रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आता है ना, ये खाली आप हाँ कह देते हो। समझ आता है सर। अच्छा, बाकियों की क्या राय है? यस सर, समझ आता है। यस सर। चलो भाई ठीक है फिर। तो अब एस एच के अंदर है, अब यहां पर प्रूफ करते हैं हम लोग कि एच सब ग्रुप है। वी, मैं ऐसे लिख देता हूं, वी क्लेम दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो यह हो जाएगा कि एच एट सब ग्रुप है जो एस को कंटेन करता है। पहले स्टेप में मैं ये दिखाऊंगा, दूसरे में दिखाऊंगा कि एच ही सबसे छोटा सब ग्रुप है जो एस को कंटेन करता है, बाद में करूंगा। तो बच्चों सब ग्रुप के लिए आप क्या दिखना चाहिए कि एच को सब ग्रुप दिखाना है। सोचिएगा, मैं एच में दो एलिमेंट ले लूं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इनवर्स भी अगर एच में दिखा दूं तो हो जाएगा ना, यस यस सर। यस सर। ठीक है। तो लेट अल्फा और बीटा एच में है, देन तो जैसा हमने अभी एच डिफाइन किया तो अल्फा हो जाएगा मान लो S1 S2 SN, और इस तरह से एस आई या फिर एस आई इनवर्स बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी आई। ऐसे बीटा ले लो T1 T2, और संख्या भी उतनी जरूरी नहीं है, कुछ और संख्या मान लो TM ले लिया मैंने यहां, सच दैट आई भी लेना जरूरी नहीं है, टी जे या फिर टी जे इनवर्स बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी जे। तो अल्फा और बीटा ये एस के कुछ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन अल्फा है, कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बीटा है। जो एलिमेंट्स की संख्या है वो बदल भी सकती है। ये हो गया, तो अल्फा बीटा इनवर्स कैसा होगा? S1 से लेकर SN तक ये है, T1 से लेकर TM तक ये है, और इनका इन्वर्स टर्म है। TM इन्वर्स से लेकर T1 इन्वर्स, S1 S2 SN, TM इनवर्स, T1 इनवर्स, ये एच में ही होगा या नहीं? क्योंकि यस सर, होगा। SI या SI इनवर्स सब एस में थे, TJ या TJ इनवर्स भी एस में है, तो वही एलिमेंट्स तो हैं यहाँ भी सब एक साथ। तो इनमें से हर एक SI या SI इनवर्स और टीजे या टीजे इनवर्स एस में ही होगा, तो ये फिर प्रोडक्ट जाहिर सी बात है एच में होगा। तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया, दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी। बच्चों बहुत आसान चीज है, मतलब खाली लिख दिया है, कुछ करना है वो भी नहीं बचा है मेरे ख्याल से। अब क्या प्रूफ करना है? एच एस को कंटेन करता है और एच सब ग्रुप है, इतना दिखा दिया, अब क्या करना चाहिए? जनरेटेड बाय एस। हाँ, तो एच ही सबसे छोटा सब ग्रुप है जी का जो एस को कंटेन करता है, अब ये दिखाना है। मैं उसे स्टेप टू में कर देता हूं ताकि आप तोड़ तोड़ के समझ जाओ चीजों को। स्टेप टू, नाउ वी क्लेम दैट
इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें ये दिखाना है, तो कोई दूसरा सब ग्रुप के ले लूं जो एस को कंटेन करता है। लेट के बी अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एस इज अ सबसेट ऑफ के, मान लो। तो अब क्या दिखाऊंगा मैं, हमारा क्लेम क्या होगा इस बार? अब इक्वल टू के हमारा क्लेम होगा एच इज सबसेट ऑफ। तो इसका मतलब कोई भी सब ग्रुप जो एच टू कंटेन करता है वो एच टू भी करेगा, तो छोटा कौन हुआ? एस एच हुआ ना, एच तो है छोटा है ही, एच तो सबसेट है। सब ग्रुप्स में सबसे छोटा कौन हो जाएगा फिर? एच एच होगा। तो यही तो क्लेम था स्टेप टू का, पहली लाइन कि एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच दिखाना है। तो आप ही दिखा रहे हैं, कोई भी अगर दूसरा के सब ग्रुप है और एच को कंटेन करता है तो एच उससे भी छोटा हो जाएगा, वो कोई भी हो, यही तो दिखाना हुआ। यस सर चलो ठीक है, तो कैसे दिखाओगे? एक दो लाइन का होना चाहिए, सोचो। तो सबसेट दिखाने के लिए क्या होता है, अल्फा एच पे दिखाओ। तो अल्फा कैसा होगा, एस वन से लेके एस एन तक एस आई और एस आई इनवर्स बिलोंग्स टू क्या, एस फॉर एवरी आई, यही था। यस सर। अच्छा, आपने लिखा था अभी जी एस बिलोंग्स टू के है, तो इसका मतलब एस आई अगर एस में है तो एस आई के में भी होगा, यस सर। और के सब ग्रुप है तो एस आई इनवर्स भी के में होगा, के तो सब ग्रुप है, एस टी सब ग्रुप ऑफ जी, तो उसमें तो हर एक का इनवर्स होता है। दिस इंप्लाइज एस वन से लेके एस एन तक ये सारा प्रोडक्ट के में आ जाएगा या नहीं? यस सर यस सर अरे भाई, एस आई की जो वन रखो, एस वन भी के में हो रहा है, एस टू भी, एस एन भी, और उनके इनवर्स भी सब है। अल्फा बिलोंग्स टू, तो अल्फा आपने एच में लिया, अल्फा के में है तो एच इज अ सबसेट ऑफ। क्या मैं ज्यादा तेज कर गया तो बोलिएगा प्लीज, नहीं समझ में आएगा तो जबरदस्ती हाँ मत बोलिएगा। सर। सेकंड स्टेप में एच सबसेट है क्या, जिसके एलिमेंट के में होंगे? अच्छा दीपक, सब ग्रुप है ना के, ठीक है। यस देखो सर यहाँ पर यार, यहाँ बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एस के अंदर है तो एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट एस आई अगर के में है तो एस आई का जो इन्वर्स होगा वो भी के में होगा या नहीं होगा? फॉर यस एवरी सर आई होगा। होगा, एस वन आई थी जो वन लिख लो, एस वन होता तब भी ये बात थी, एस टू लिखते तब भी ये होता, एस थ्री लिखते तब भी होता, एस एन लिखते तब भी होता भाई, क्लियर है ना? तो यस इससे सर ये समझ में आया, एस वन से लेके एस एन तक सोचो या उनके इनवर्स सोचो, वो सब के में है, क्लियर है ना? यस सर तो एस वन से एस एन तक भी के में आएगा या नहीं आएगा फिर? उनका कंपोजिशन के ग्रुप भी तो है अपने आप में, बाइनरी। यस सर अरे तो यही तो भाई अल्फा था,
S1 से SN तक का जो कंपोजिशन था प्रोडक्ट वही तो अल्फा था, तो अल्फा आपने एच में लिया था, अब अल्फा ट्रेमा आ गया। इसका मतलब आप एच में कोई भी लेते हैं ऐसा वो ट्रेमा आ जाएगा, तो एच सबसेट हो जाएगा नहीं ट्रे का। यस सर, आगे। हेंस एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग तो इसका मतलब एच इज जनरेटेड बाई एस, तो एच इक्वल टू लो जी प्रूफ कर दिया मैंने। तो किसी को अगर कोई दिक्कत है नहीं समझ में आया प्लीज बोलिएगा, थोड़ा अलग कंसेप्ट आ रहे हैं। आगे बढ़ाएं फिर या हो गया और करना है कुछ इसमें? यस सर, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप बच्चों अब एक नई चीज सिखाता हूं मैं, कम्यूटेटर क्या होता है इस पे बात करते हैं। अभी तक जो था कम्यूटेटर सब ग्रुप था, अब केवल एलिमेंट है कम्यूटेटर। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कहीं पर? नो सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसको कम्यूटेटर कहते हैं मैं पहले डिफाइन कर लूं। लेट एक्स और वाई कोई दो एलिमेंट ले लीजिए जी का, कोई ग्रुप है। अब इस टाइम पर कौन अटेंड करना चाहता है? टाइम पे अलाउड है कोई मतलब नहीं। एक्स और वाई ग्रुप के कोई दो एलिमेंट हैं, तो देन एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, ये इज कॉल्ड द कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई। कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई, कोई दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, तो उन दोनों के कम्यूटेटर को ऐसे लिखते हैं एक्स एंड वाई, बाइनरी ऑपरेशन होगा बीच में, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, तो ये कम्यूटेटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक अगर मैं जी ऐसा ले लूं, जेड प्लस इंटीजर का सेट, ऑपरेशन एडिशन है, और कोई दो इंटीजर ले लूं, एक्स वन ले लूं और वाई कुछ भी टू ले लेते हैं चलो, तो इनका कम्यूटेटर क्या हुआ? एक्स वाई एक्स इनवर्स कितना आ जाएगा? एक्स टी जो वन प्लस ऑपरेशन प्लस होगा, टू प्लस एडिटिव इनवर्स माइनस वन माइनस प्लस टू कितना आ जाएगा?
अब मैं एग्जाम्पल ही क्यों ले रहा हूँ, वैसे भी सोचो कोई भी दो लें, यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लेने के बजाय सीधे सीधे पूरा जो एक्स वाई आपके पास आ रहा है इसी का ले लें कम्यूटेटर, तो इसका मतलब ही यही था, एक्स इनवर्स माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इन जनरल, तो जीरो ही आएगा या नहीं? यस सर, या तो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, यही आना है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल था। सर इसे कंप्यूटर के सेंस में बोल रहे हैं। एक्चुअली इसका इनवर्स भी कम्यूटेटर ही आता है, इसका इनवर्स करेंगे ना। चलो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, अब आपने दूसरी चीज पूछ दी, एग्जाम्पल भी बताऊंगा फिर अभी। बच्चों एक्स वाई, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, सोचिएगा। वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, ये भी एक कम्यूटेटर हो गया या नहीं? यस सर, शायद इसीलिए नाम बोला हो। ठीक, यस वाई एक्स वाई इनवर्स है, मतलब कम्यूटेटर का इनवर्स भी कम्यूटेटर होता है। लो जी, मैंने प्रॉपर्टी बता दी, आप अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। अब इससे क्या होगा कि कम्यूटेटर जो है उससे एक कम्यूटेटर सबग्रुप की दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी। यहां से मैंने अभी सबग्रुप जनरेटेड बाय एस बोला था, अब कम्यूटेटर हैं, फिर इनका एप्लीकेशन काफी वाइड है। बल्कि अगर आप लोगों ने पिछली बार व्हाट्सएप अटेंड की थी तो मैं देख रहा था विपुल कक्कड़ सर ने कम्यूटेटर सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ बातें समझाई थी, हो सकता है आपको याद हो या ना हो। वो थे ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान वाले, यस सर समझा रहे थे इसको, इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे थे वो कुछ चीजों में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटर में कोई दूसरा ग्रुप ले रहा हूँ, फाइनाइट लेता हूँ छोटा सा, वहां कम्यूटेटर देखते हैं क्या आता है। जी ले लेते हैं, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, सभी जानते हैं ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो चलो एक एग्जांपल देते हैं, एक्स हमने ले लिया वन और वाई ले लिया आयोटा, तो एक्स वाई, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, वन इन टू करना है आयोटा और वन का इनवर्स वन ही हुआ और आई का इनवर्स माइनस है। माइनस आई, कितना आ जाएगा भाई? वन ही आ गया सर। यस सर, और अगर मैं एक्स टू माइनस वन ले लेता तो बी प्लस वन आता है। बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके, नहीं प्लस वन तो अभी आया है और माइनस वन आया था, ऐसे कुछ और लेंगे तो यहाँ अलग अलग आ जाएंगे कम्यूटेटर। यस सर, क्योंकि जैसे पिछला ले लिया वो आसान था, उसमें मतलब ओवरऑल एट ही आ रहा था, जीरो ही आ जा रहा था। यहाँ आप एक्स और वाई क्या ले रहे हैं इससे आंसर बदल भी जा रहा है। तो अगर ये समझ में आया तो अब मैं कम्यूटेटर सब ग्रुप समझाऊं आप लोगों को। यस सर, यस सर, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आइए बच्चों। कम्यूटेटर सब ग्रुप, ये जैसे कोई ग्रुप है ना उसके सारे कम्यूटेटर्स का एक कलेक्शन ले लो, किसी ग्रुप जी के सारे कम्यूटेटर्स का कलेक्शन ले लो,
उसे हम एस नाम देंगे, और फिर उस एस को कंटेन करने वाला जो सबसे छोटा सब ग्रुप होगा उसे क्या नाम दे देंगे, कम्यूटेटर सब ग्रुप। समझ पाए क्या कहा? मान लीजिए एस है, एस में कैसे एलिमेंट हैं, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, जहां एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, लेट एस ये है, तो ये क्या हुआ, विद द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ जी। बच्चों ये बात समझ में आई? यस सर। तो फिर यहाँ ऑब्वियस लिख रहा हूं मैं, है तो सब जीटी एलिमेंट क्लोजर से, तो एस जीटा ही सबसेट होगा या नहीं? यस सर। ठीक, तो देन एच है सब ग्रुप ऑफ जी, इज कॉल्ड कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज जनरेटेड बाई एस। तो एच जनरेटेड बाई एस होगा। क्या समझ पाए आप लोग? यस सर। कई किताबों में इसे ऐसे भी लिखते हैं, इन सम बुक्स, जिसको मैं इस एच को कह रहा हूँ वो जी डैश रहते हैं, और बेसिकली वो जी डैश जो है वो एस से जनरेट होता है, एस से जनरेट ऐसे भी लिखते हैं। तो सिंबल है, वो सिंबल पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, लैंग्वेज कंसेप्ट समझिएगा। तो ये आपके पास हो गया, ये कंप्यूटर का सब ग्रुप प्रोग्राम होगा। तो इसमें अब कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास, कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अभी तो डेफिनेशन थी, आपने डिफाइन कर दी नई नई चीजें। प्योर मैथ्स में यह है कि भाई आप खुद ही डिफाइन करेंगे, खुद ही थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, बाहर से तो रूल लाना नहीं है। चलिए आप तो ये लाइक जी डैश लिख रहा हूं मैं भी, तो जी डैश का मतलब समझिएगा, जी डैश मतलब जी का सबसे छोटा सब ग्रुप जो एस से जनरेट हो रहा है। एस क्या है, उसमें जी के सारे कम्यूटेटर भरे पड़े हैं। जी डेस विद द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन पहले है जी डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दूसरा है जी बाई जी डैश, नॉर्मल है जी डैश तो जी बाई को फैक्टर ग्रुप डिफाइन किया जा सकता है, इज एबिलियन, ये प्रॉपर्टीज हैं। तीसरा जी डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी बाई जी डैश इज एबिलियन। और
नेक्स्ट इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी डैश कंटेन्स एच, जी डैश इज कंटेन्ड इन एच, देन इतने होने से एच इज नॉर्मल इन जी। लो ये कुछ आउटपुट है। जी आपको जी डे से कम्यूटेटर सब ग्रुप है जी डे एस जी का, तो जी डे एस नॉर्मल होगा, जी बाय जी डे एस एबिलियन होगा, जबकि जी के बारे में कुछ नहीं पता है। जी तो इन जनरल है, लेकिन जी बाय जी डे एस की गारंटी दे दी आपने, एबिलियन है। और जी डे एस सबसे छोटा सब ग्रुप है जिसके लिए जी बाय जी डे एस एबिलियन हो। आपको अब इससे छोटा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा कि आप जी बाई एन एबिलियन ले आए, यही सबसे छोटा है जितना हो सकता है। और चौथा यह है कि अगर एच जो है जी का सब ग्रुप हो जो जी डैश को कंटेन करे, तो इतना होना पर्याप्त है ये बताने के लिए कि एच नॉर्मल भी होगा। तो ये भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गई। मैं इसको प्रूफ नहीं करा रहा हूं, प्रूफ मैं आपको भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत कोई बहुत ज्यादा है, लेकिन आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ मैं भेजूंगा तो समझ में आ ही जाना है। सब ग्रुप ही तो प्रूफ करने, क्यों समझ नहीं जाओगे? अगर मैं सॉल्यूशन भेज दूं आपको तब तो समझ जाएंगे आप लोग। यस सर, समझेंगे। यस सर। हाँ, तो मैं इसको बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसमें एक तो छोटी छोटी चीजें होंगी, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अभी लास्ट सेक्शन था इस चैप्टर का, मुझे एक बार तो लगा कि ना बताऊं, फिर लगा कि नहीं बता देते हैं। लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर ही, मैं इसका प्रूफ भेजूंगा बच्चों, इसका भी एक छोटे छोटे दो दो लाइनों के, दो तीन सवालों के। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक डेफिनेशन, सिंपल ग्रुप क्या होता है आप लोग ये जानते हैं, जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे। व्हाट इज सिंपल ग्रुप? नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आप ऐसा मत सोचिएगा जी मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, पढ़ा है तब पूछ रहा हूं किसी ने, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ी होती है आप लोगों ने तो तब पूछे। सर एक भी शायद नॉर्मल जिसके सब पास कोई ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। बिल्कुल, अगर किसी ग्रुप में केवल आइडेंटिटी और खुद के अलावा, ये तो ट्रिवियल हुए दोनों, बाकी कोई नॉर्मल सब ग्रुप अगर नहीं मिला, तो नाम से क्लियर है कि अब उसको क्या नाम देना चाहिए, सिंपल। मुझे याद है एमएससी फाइनल के बाद, एमएससी फाइनल में था मैं, और मैं पहली बार नेट भरा मैंने, और वहां ये क्वेश्चन आया, प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 144 इज सिंपल और नॉट डिस्ट्रेस। थ्योरेटिकल होता था तब, ऑब्जेक्टिव नहीं था, सब्जेक्टिव था, और उन्होंने कोई हिंट भी नहीं दिया। और मैं एमएससी फाइनल हल्द्वानी से, और मैं बच्चों ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने ये नाम ही नहीं सुना था। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, सिंपल मतलब कुछ आसान ही होता होगा, ग्रुप का ऑर्डर भी 144 था, लेकिन सिंपल है या नहीं इस पर बातचीत करनी थी। मतलब मैं अपना सोचता हूं कई बार, ये बदकिस्मती भी रही कि एमएससी फाइनल में हूं मैं, और मैंने ये शब्द भी नहीं सुना था उसका, ये सिंपल क्या होता। चलिए, खैर आप लोगों को मालूम है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हम पर क्वेश्चन मार्क है कि हम कर जा रहे हैं। फिर तो किसी ग्रुप का कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप अगर नहीं मिलता है ना, तो वो सिंपल है।
ग्रुप जी स्ट्रॉल सिंपल इफ इट्स ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स आर खुद एट तो ई ये भी ट्रिवियल हुआ एंड जी इटसेल्फ। बच्चों मेरे ख्याल से कोई डेफिनेशन में है नहीं ऐसा। ये सिंपल ग्रुप क्या होता है क्लियर हुआ? सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि सिंपल ग्रुप इज नॉट एक्चुअली सिंपल? दोनों जो सिंपल का मीनिंग अलग है। फिर पहले मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में सिंपल जब ग्रुप स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं ना तो ग्रुप का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर थ्योरम क्या बताती है? बच्चों थोड़ा ये समझना जरूरी है कि ग्रुप में कितने सब ग्रुप होंगे, क्या सब ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक या कुछ बड़े और छोटे हों तो होमोमॉर्फिज में डिफाइन हो सकता है या नहीं, फैक्टर ग्रुप्स में तोड़े तो क्या होगा, क्या हर एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन हो सकता है, मतलब ग्रुप के बारे में आप जो कुछ जान सकते हैं या जानना चाहते हैं वो सब जान सकें। तो ऐसी थ्योरम्स जो ग्रुप की पूरी कहानी आपके सामने ग्रुप को पूरा खोल दे, जैसे एक मैकेनिक एक पूरी मशीन को खोल के रख देता है सामने, ऐसा जब आप कर सकें तो वो जो थ्योरम्स आपकी हेल्प कर रही है सारा, तो वो ग्रुप स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर थ्योरम। क्लियर हुआ या नहीं पहले बताइए। यस सर, क्लियर। तो हम लोग ट्रेले थ्योरम है और क्रॉसी थ्योरम है और लैग्रेंज थ्योरम है और लास्ट में जो तीन फंडामेंटल थ्योरम हमारी जो हिस्ट्री है सिलोज थ्योरम है जॉर्डन होल्डर और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये थ्योरम ही नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारी चीजें भी हेल्पफुल होती हैं उसमें, छोटे छोटे रिजल्ट्स कि भाई ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, परमुटेशन ग्रुप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको समझना और सिंप्लीफाई करना आसान काम नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है ऐसा कुछ। आप मेहनत करोगे आप आराम से सीख जाओगे। तो ग्रुप सिंपल है या नहीं है उसको देखना इतना आसान नहीं होता, ग्रुप्स में दिक्कत आती है। लीनियर अलजेब्रा में यहीं पर थोड़ा चीजें आसान है और आइगन वैल्यूज पे फोकस ज्यादा रहता है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर और रैंक निकालनी जिसको आ जाती है फिर हमेशा एजी जैसा काम होते रहता है। आपने ड्रॉ किया होगा जिसको एसलन फॉर्म निकालनी आ गई वही काम घुमाते फिराते रोज ही, यही तो हो रहा है अभी भी। यस सर, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी वही कहानी चल रही है। लीनियर में चीजें फिर भी आसान है, ग्रुप थ्योरी समझने में थोड़ा दिक्कत होती है और लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस बनाए रखिए और आराम से सीखिए। बहुत तेजी के चक्कर में आप बहुत डीप नहीं जा पाएंगे, डीप जाने के लिए आप आराम से धीरे धीरे ही जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आज इतना ही करें क्योंकि मेरे पास नया अभी कुछ है नहीं, अभी स्ट्रक्चर थ्योरम पे हम जा नहीं सकते बच्चों इतनी जल्दी। अभी हमें होमोमोर्फिज्म और आइसोमोर्फिज्म बहुत कुछ सीखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है सर। तो आज मैंने जो लास्ट में ये अभी कम्यूटेटर पे था मैं उसको आपको भेज दूंगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, अभी भेजता हूँ आपको। चलिए।